Good morning class, welcome back. I'm Kanika Narwal. I'm back with you with a new chapter and a new topic, that is food and its sources. हमें food कहाँ से मिल रहा है और उसके क्या क्या हमारी body में benefits हैं, we'll discuss it in this chapter. Hope you are enjoying lot of healthy food at your home. And now moving on to the chapter, food gives us energy to work and play. अगर हम खाना खा के गए हैं खेलने के लिए और हम थोड़े लो लेवल एनर्जी के साथ वापस आते हैं तो दैट इज ड्यू टू कि हमारी एनर्जी वेस्ट हो चुकी है या हमारी एनर्जी या हमारी बॉडी को और फूड की नेसेसिटी है. सो वी कंज्यूम फूड. फूड गिव्स एनर्जी टू फाइट इन्फेक्शंस. इट हेल्प्स आवर वुंड टू हील एंड मेक्स अस स्ट्रॉन्गर एंड बिगर. फूड हमें एनर्जी देता है ताकि हम इन्फेक्शंस, हमारी बॉडी में कोई भी डिसीज या इलनेस आने वाली है, कोई भी हमारी बॉडी पे बैक्टीरिया अटैक करने वाला है, तो फूड, हेल्दी फूड हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस. एंड अगर हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम आई है, कोई भी इलनेस है, तो दैट देयर इज अ गुड थिंग कि हेल्दी फूड कीप्स आवर बॉडी हेल्दी एंड माइंड एज वेल. तो हमें हमेशा हेल्दी फूड ही प्रेफर करना चाहिए. द नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूट्रिएंट्स, जो कि फूड का पार्ट है. फूड ऑल कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो कि है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन्स. ये हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी फूड का, हमारी बैलेंस्ड डाइट का पार्ट होने चाहिए. दे डिटरमाइन हाउ गुड एंड बैड The food is, food which has more nutrients is good for us. जिस food में nutrients की value high होती है वो food हमारी body के लिए बहुत healthy होता है. Moving on to the next part, that is types of food. The first one is energy giving food. उसमें आते हैं हमारे पहले सबसे starchy and fatty foods that are energy giving foods. उसमें starchy foods में वी इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स, जो जिन फूड्स में कार्बोहाइड्रेट्स होता है और वो उसमें सबसे पहले वी काउंट पोटैटो. पोटैटो, राइस एंड वीट आर स्टार्ची फूड एंड फैटी फूड इंक्लूड बटर, चीज, घी एंड ऑयल. द नेक्स्ट टाइप ऑफ फूड आर बॉडी बिल्डिंग फूड. क्या है बॉडी बिल्डिंग फूड्स? फूड आइटम्स दैट हेल्प अस टू ग्रो, जो हमें ग्रो करने में मदद करते हैं. दीज फूड आइटम्स हैव प्रोटीन्स विच आर असेंशियल फॉर बॉडी बिल्डिंग. मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, पल्सेस, बीन्स, मीट, फिश एंड एग्स. बेबीज एंड ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर फूड आइटम देन अडल्ट्स. क्या बता रहा है इसमें? जो बच्चा ग्रो कर रहा है, अभी छोटा है एंड उसकी ग्रोथ लेवल हाई है, उनको ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं बिकॉज देयर बॉडी, देयर बोन्स, देयर Every part is growing and bodybuilding food is an important part of their balanced diet at this time. Moving on to the next part, that is protective food. क्या समझ आ रहा है हमें protective से? Protection, जो हमारी protection करते हैं, जो हमें protect करते हैं. किस चीज़ से हमें कोई protect कर सकता है? कोई भी disease, कोई भी germs. अगर हमें किसी भी चीज़ से प्रोटेक्ट करना है, ये प्रोटेक्टिव फूड जो कि हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ये हमें बचाते हैं डिसीजेस से, जो वेरियस डिसीजेस दैट कैन अटैक अस और दैट कीप ऑन अटैकिंग अस. वी आर प्रोटेक्टेड बाय दिस प्रोटेक्टिव फूड्स दैट आर सीरियल्स, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. क्यों ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं? बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन्स. And minerals and vitamins are very, very helpful for our body. Even doctors recommend us vitamins when we are ill or we are suffering from any disease. Moving on to the next topic, that is balanced diet. हर एक इंसान को एक right amount में right time पर खाना खाने की बहुत ज़रूरत होती है. So what is balanced diet? जिस balanced diet वो है जिसमें हर न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है वो इंक्लूडेड हो. सो वी मस्ट ईट चपातीज, राइस, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. वी मस्ट ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे. द डाइट विच हैज़ ऑल दीज टाइप्स ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट.
हमारी बॉडी में राइट अमाउंट में सही न्यूट्रिएंट्स वाले फूड इज अ बैलेंस्ड डाइट फूड, और हमें हमेशा अ ग्लास ऑफ मिल्क वी शुड ऑलवेज कंज्यूम एवरी डे सो दैट आवर बॉडी इज हेल्दी. फॉर अ न्यू बॉर्न बेबी मिल्क इज इनफ, मिल्क इज अ कंप्लीट फूड. एक जो बच्चा अभी बहुत छोटा है अप टू 6 मंथ्स ऑफ एज, मिल्क इज अ कंप्लीट फूड फॉर हिम और हर. उसकी पूरी डाइट जो एक बैलेंस्ड डाइट होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ मिल्क का इंक्लूजन होता है. द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड बॉडी बिल्डिंग फूड. जो बच्चा ग्रो कर रहा है आफ्टर 6 मंथ्स द बॉडी ऑफ दैट चाइल्ड इज ग्रोइंग अप, तो उसे बॉडी बिल्डिंग फूड की ज़रूरत होती है. जैसे उसमें मिल्क एंड इवन फ्रूट्स माइट बी इंक्लूडेड जो उसकी बॉडी को हेल्दी तरीके से ग्रो करने में मदद करे. द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज अ लेबरर वर्किंग हार्ड नीड्स एनर्जी गिविंग फूड. अब जो हम घर पे बैठे हैं वी नीड लो एनर्जी फूड, लेकिन जो एक मजदूर मेहनत कर आ रहा है फील्ड में उसे एक ज़्यादा एनर्जी वाला फूड ज़रूरी है बिकॉज उसने अपनी एनर्जी लॉस की है वहाँ पर. And he needs more energetic food. Sources of food from plants, step by step. The first one is food grain. Food grain क्या mainly हमारी diet में क्या होता है, रोटी या फिर चावल. So the food grains are a part of both of these, that are rice and wheat are the main food crops that are food grains. The another one that are included in food grains are cereals, which are rice, wheat, oats, corn, etc. The next one is pulses, dalen. वो भी हमें plant से ही मिलती हैं. तो what are those? Kidney bean, black gram, dry pea and chickpea, rajma, and many more dals which you see cooking your mother. Spices क्या? नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया एंड मेनी मोर टाइम्स. सो दे एड फ्लेवर टू द फूड बट मोस्टली एंड मेनी स्पाइसेस हैव मेडिसिनल वैल्यूज. एग्जाम्पल ऑफ सच स्पाइस इज टर्मरिक. इफ वी एड टर्मरिक टू मिल्क एंड हैव और कंज्यूम इट एवरी डे वी हैव हेल्दी बेनिफिट्स of this spice. The next source is fruit, apple, bananas, cherries, oranges, pineapples, strawberries, etc. They are eaten raw. हमें इसको पकाने की ज़रूरत नहीं होती. जैसे भी आ रहे हैं ये घर पर, चाहे apple है banana है, we can eat it. And another way of consuming fruits are in the form of juice. हम इसका juice भी पी सकते हैं. Vegetables, main part of the meal, rich in vitamins and minerals. Carrot and turnip are roots. Onion and ginger are stems. Spinach is a leafy vegetable. तो क्या देखा हमने? Vegetables. हम सबको पता है कि अगर हम रोटी खा रहे हैं, हमारी main diet में है, तो विदाउट वेजिटेबल वी कांट हैव इट. तो मेनली वेजिटेबल्स आर द मेन पार्ट ऑफ आर डाइट. उसमें 3 टाइप के वेजिटेबल्स के पार्ट होते हैं, जो है रूट, स्टेम एंड लीफी वेजिटेबल्स. जो रूट वेजिटेबल्स होती हैं वो हैं कैरेट एंड टर्निप, स्टेम अनियन एंड जिंजर, एंड द लीफी वेजिटेबल इज स्पिनच, पालक जो हम खाते हैं, चाहे वो पालक पनीर के रूप में चाहे कैसे भी. द नेक्स्ट वन इज ऑयल सीड्स. ऑयल सीड्स क्या है? हम खाना पका रहे हैं तो हमें कोई भी ऑयल चाहिए उसे कुक करने के लिए. एवरी टाइम घी इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर डाइट, सो वी नीड कुकिंग ऑयल दैट इज ब्रॉट अप फ्रॉम ऑयल सीड्स. सो cooking oil is made from these oil seeds. And the another one is animal. So कैसे हमें animal से भी food मिल रहा है for non-vegetarian people? The first one is meat. The flesh of animals are used as food. Example are chicken, goat and fish.
का, चिकन गोट एंड फिश का फ्लेश, इट इज यूज्ड और टेकन अप एज मीट. एग्स, वी गेट एग्स फ्रॉम हैन एंड डक. दिस इज जनरल कि हमें एग्स कहाँ से मिलते हैं, हैन से या फिर डक से. द नेक्स्ट वन इज मिल्क. मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, बफेलोस, काउ एंड गोट. और जनरली आर पेरेंट्स और आर ग्रैंड पेरेंट्स से दैट मिल्क हैज ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो, एंड दिस इज द ट्रूथ कि हमें मिल्क डेली कंज्यूम करना चाहिए फॉर अ हेल्दी बॉडी. इट इज यूज इन मेकिंग प्रोडक्ट्स लाइक बटर, चीज, घी, कर्ड एंड आइसक्रीम. सो दिस मिल्क इज अ पार्ट ऑफ वेजिटेरियन डाइट अदर देन दिस मीट, एग्स एक्सेट्रा. द लास्ट वन इज हनी, विच ऑल्सो इज अ वेजिटेरियन पार्ट. वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज. हमें शहद मधुमक्खियों से ही मिलती है, वी नो दैट. सो दीज वर द फूड दैट वी गेट और वी हैव फ्रॉम एनिमल्स. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर. So I think you have learned a lot from this video and you have got many, many, many information about what kind of food we should eat and what should be included in our balanced diet. So stay healthy, keep eating healthy food and complete your work so that there is no mess after the reopening of school. Thank you.